मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आज का रेसिपी है क्रिसमस स्पेशल फ्रूट एंड नट केक। चलिए शुरू करते हैं इस म्यूजिक के बाद। हे हेलो, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरसीस लाइफस्टाइल। होप आप सब कोई अच्छे हो, हेल्दी हो और हैप्पी हो। तो आज का रेसिपी एक बार इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है मिक्स ड्राई फ्रूट्स, कैजू, रेजिन्स, दो टाइप की रेजिन्स, नट और वॉलनट। और मैं ये रेसिपी को बनाऊंगी ब्राउन शुगर। सबसे पहले मैं ओवन को प्री हीट के लिए छोड़ दे रही हूँ 180 डिग्री में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा इंग्रेडिएंट्स नहीं लिया है, इसके अलावा भी हमें चाहिए। जैसे केक बनाने के लिए लगेगा मैदा और सब कुछ, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन शुगर, जिसे मैं एकदम पाउडर बना लूँगी। केक बनाने के लिए मेजरमेंट जो है वही सबसे मेन चीज़ है। इफ़ द मेजरमेंट इज करेक्ट देन केक विल बी सुपर डुपर हिट। तो यहाँ पे पाउडर हो चुका है, तो चलिए संतरे का रस बना लेते हैं। ऑरेंज जूस, ये ऑरेंज भी हमें मुझे लगेगा बाद में, वो मैं आपको दिखाऊंगी। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, यहाँ पे काफ़ी ट्रिक्स और टिप्स भी है। मैंने आज इस रेसिपी में बेकरी की कुछ स्पेशल टिप्स मैंने आप लोगों के लिए लाई हूँ, तो बिना स्किप किए रेसिपी को एंड तक देखिए। ऑरेंज जूस रेडी हो चुका है, इसको छान लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है ना, मेरी गले की जो कंडीशन है वो कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं शायद आप लोगों को आवाज़ मेरा कैसे आ रहा है, बट आई हैव सम थ्रोट इन्फेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑरेंज जूस मेरा रेडी हो चुका है, अब इसको मैं साइड में रखती हूँ। आज मैं जो प्लम केक बना रही हूँ क्रिसमस के लिए, ये मतलब अल्कोहल फ्री है। यहाँ पे मैं अल्कोहल में यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो कैजू सबसे पहले मैं ले रही हूँ कैजू नट, थोड़ा ले रही हूँ और थोड़ी मैं रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए। फिर ले रही हूँ वॉलनट, उसके बाद मैं ले रही हूँ आमंड। इन सारी चीज़ों को देखिए मैंने दरदरा सा पीस लिया है। यहाँ पे थोड़ा डस्ट भी है और दरदरा से भी है। तो अब हम इन सारे चीज़ों को इस ऑरेंज जूस में सोक करने के लिए छोड़ देंगे मिनिमम 15 से 30 मिनट के लिए। आप चाहो तो इसको 3, 4 या 5 घंटे तक भी सोक करके रख सकते हो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेजिन्स मैंने यहाँ पे लिया है दो टाइप की, जैसे ब्लैक एंड नॉर्मल वाला। आप यहाँ पे किसी भी टाइप की ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो, जितने भी करेंट वाले हैं ना ड्राई फ्रूट्स, ब्लैक करेंट और प्लम और ब्ला 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 सब कुछ ऐड कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे डेट्स भी ऐड कर सकते हो। तो ये है मेरा दो इंग्रेडिएंट्स जो मेरी सबसे फेवरेट है, एक है टूटी फूटी और दूसरा है चेरी। मतलब केक में मुझे ये दो चीज़ काफ़ी पसंद है, और जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो है डेट्स और वो जितने सारे करेंट वाले फ्रूट्स हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप चाहो तो आप उसमें इसे मतलब वो सारे फ्रूट्स यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, वो आप। तो इन सारी चीज़ों देखिए मैंने चेरी को काट लिया है और कुछ चेरी को मैंने साइड में रखा है, वो ऊपर में मैं गार्निशिंग कर ली। तो चलिए मैं इसे सोक करने के लिए छोड़ देती हूँ, अब मैं बना लेती हूँ बैटर की रेडी करती हूँ। और देखिए एक्चुअली क्या है ना, मेरा बीच का थोड़ा मिस हो चुका है। मैंने यहाँ पे दिया है 2 एग, जो मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ वो 2 एग, और ये जो कप है 1/3 कप मैंने दिया है ऑलिव ऑयल। मैं इस केक को बटर में नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं नॉर्मली केक ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ। तो अगर आप चाहो तो मैं बटर में भी बना के दिखा सकती हूँ। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इन सारी चीज़ों को बीट कर लिया है, देखिए ऐसे फोम जैसे हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हमारी ड्राई चीज़ को। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी शुगर। देखिए शुगर जो हम लोग करते हैं ना, कि 1 कप शुगर हम लोग शुगर को लेते हैं, फिर उसको
ग्राइंड करके उसको डाल देते हैं। ऐसे नहीं, पहले एक कप शुगर लो, जो भी लो उसको पहले ग्राइंड करो, फिर उस डस्ट शुगर को एक कप आप यूज़ करो। तो मैंने यहाँ पे दिया है 1 कप शुगर, फिर मैं अभी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ टीस्पून वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस कभी कभी वैरी करता है, किसी किसी कंपनी की जो है वैनिला की जो एसेंस है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, किसी किसी की कम। सारी चीज़ों को मैंने एक साथ बीट कर लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, 1 कप मैदा। मैदे से मैं 2 टेबलस्पून मैदा को मैं हटा दे रही हूँ। उस जगह से मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये जो ट्रिक या टिप्स है ये है बेकरी की टिप्स, ये है बेकरी की टिप्स। एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं ना कि केक फ्लावर, यही है एक्चुअली केक का जो फ्लावर होता है, यही है एक्चुअली केक का फ्लावर जो बेकरी पे यूज होता है। तो ये हो गया मेरा आज का ट्रिक या टिप्स। उसके बाद मैंने ऐड किया था 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1/2 टीस्पून करके 2 बार 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब मैं इसको मतलब जो जिस टिन में मैं केक को बेक करूंगी उस टिन को मैं ग्रीस कर रही हूँ, अच्छी तरीके से ग्रीस करना है। आप बटर पेपर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ब्राउन पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट कभी भी उसमें न्यूज़पेपर यूज़ मत करना। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोक किया हुआ जो मेरा ड्राई फ्रूट्स था, और जो ऑरेंज जूस है अभी भी जो पेंडिंग ऑरेंज जूस है उसे हमें फेंकना नहीं है, वो हमें बाद में यूज़ करना है। तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ को अभी हमने फिर से एक बार ग्राइंड कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जेस्ट, और मैं इसमें ऐड कर दूंगी यही कोई 1/2 टीस्पून के करीब सिनेमन पाउडर, जो इसमें काफ़ी अच्छा जाता है। अब हम सारे चीज़ों को पोर कर लेंगे हमारी बेकिंग ट्रे में, जिसमें हम लोग केक को बेक करना है, और उसको ऊपर से गार्निश कर लेंगे। चेरी को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले रखी थी उसे हम मैंने अभी ऊपर में गार्निशिंग के लिए छोड़ दिया है। अभी मैंने पहले ही प्री हीट में रखा था तो वो भी प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसको ओवन में डाल रही हूँ और मैं 180 डिग्री में सबसे पहले 15 मिनट्स के लिए इसे बेक होने दूंगी। कभी भी ओवन में एक बार में आप केक को बेक होने के लिए मत दीजिए, 15 मिनट्स बाद मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए ऊपर में थोड़ा हार्ड हो चुका है पर नीचे अभी भी ये रेडी नहीं है, तो इसको मैं फिर से आप इसको मैं 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है। आफ्टर 20 मिनट्स मैं फिर एक बार इसमें चेक कर लेती हूँ। देखिए जो केक है हमारा रेडी हो चुका है, क्योंकि साइड से ये लूज हो चुका है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार टेस्ट करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए एकदम क्लीन आया है, तो केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर अभी हमें मतलब जो हमारा जो बचा हुआ जो ऑरेंज का जो जूस था ना, उस ऑरेंज की जो जूस है उसे अभी हमें हमको इसके ऊपर डालना है। ये देखिए जो बचा हुआ ऑरेंज जूस है वो मैं अभी इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, उसकी वजह से जो केक है और भी सॉफ्ट हो जाएगा। ऑरेंज जूस डालने के बाद उस केक को आप लोग छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। केक मेरा यहाँ पे ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको अनमोल्ड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए आपसे ये बाहर भी आ चुका है और ये कितना सॉफ्ट हुआ है वो भी आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप अगर मेरी चैनल में और भी कोई रेसिपी देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर संडे। लव लव।